नमस्कार। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा बहुत ही फायदेमंद है शरीर के लिए। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। गाजर को हम लोग कच्चा सलाद के रूप में सूप बना के, हलवा बना के या सब्जी में डालकर खाते हैं। तो आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बनाएंगे। गाजर मावा हलवा बनाएंगे। देखिए, 1 केजी मेरे पास गाजर है, उसे हम कद्दूकस करके ले लिए हैं। गाजर में डालने के लिए हम मावा ले लिए हैं। 250 ग्राम मेरे पास मावा है और 50 ग्राम से भी कम चीनी है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। घी थोड़ा सा हम ले लिए हैं। गाजर हलवा में बहुत अधिक घी का ज़रूरी नहीं है, तो हम घी ले लिए हैं थोड़ा सा। मेरे पास मावा है तो हम दूध थोड़ा कम लिए हैं। 250 ग्राम के आसपास हम गाढ़ा करके दूध ले लिए हैं। हलवा में डालने के लिए थोड़ा सा हम किशमिश ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं छोटे छोटे काट के, थोड़े बड़े लंबे लंबे काट के, थोड़ा हरी इलायची है, इसे कूट के डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो हम चलते हैं फटाफट से गाजर का हलवा बनाते हैं। मावा गाजर हलवा बना लेते हैं। गाजर के हलवा को हम छोटी सी लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई को हम गैस पर रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हम घी डाल दिए। अभी हम गैस का आँच बिल्कुल कम रखेंगे और घी मेरा गर्म हो गया है। इसमें हम गाजर डाल देते हैं। जो हम कद्दूकस करके गाजर रखे हैं, सारे गाजर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। गाजर को हम चला लेते हैं इस तरह से। गाजर में बहुत पानी है तो हम क्या करेंगे, गैस का आँच हम तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे इसे हम पानी सूखने तक अच्छे से पका लेंगे। गाजर का पानी सूखने तक हम अच्छे से इसे पका लिए हैं। अब गाजर में बहुत अधिक पानी नहीं है, अब इसमें हम मावा डाल देंगे। गाजर का पूरा पानी सूख गया है, अब इसमें हम मावा डाल देते हैं। मावा डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हम मावा को ऊपर नीचे अच्छे से कर लेंगे। अभी हम मावा डाल दिए, मावा में जो भी घी होगा सो घी निकलने लगेगा और अच्छे से गाजर भून भी जाएगा, बिल्कुल दानेदार हलवा बनेगा। देखिए, मावा डालते ही कैसे लिक्विड जैसा होने लगा गाजर, इस पे पूरा घी निकल रहा है मावा से। हम अच्छे से इसे चला लेते हैं। अब देखिए मावा से कितना घी निकल रहा है। अब हम तेज आंच करके और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। जब तक कि गाजर का कलर थोड़ा सा अलग हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे अच्छे से। मावा से कितना घी निकल रहा है, देखिए ये सारा घी निकल रहा है। इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट हम मावा और गाजर को अच्छे से भून लिए हैं तेज आँच पे। अभी ही गाजर का हलवा लग रहा है बन गया है, लेकिन अभी इसमें हम चीनी डालेंगे और जो चीनी से पानी निकलेगा उससे भी हम भून लेंगे। इसको हम अच्छे से भून लिए हैं। अब जो मेरे पास चीनी है, चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल के भी हम तेज आंच पे ही इसे पकाएंगे, क्योंकि चीनी से पानी निकलेगा, लेकिन इसे हम चलाते रहेंगे, छोड़ नहीं देंगे। इस प्रकार से आप झटपट से हलवा बना सकते हैं। अब चीनी से पानी, हल्का हल्का पानी निकलने लगा। 5 मिनट हम मावा डाल के इसे भून लिए गाजर को अच्छे से तेज आँच पे, और 5 मिनट हम चीनी डाल के भून लिए अच्छे से। अब बहुत ही अच्छा गाजर का कलर लग रहा है। गाजर को पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत जल्दी से आप हलवा बना लेंगे। चीनी से पूरा पानी निकल गया है और पानी को हम अच्छे से सुखा लिए हैं। इसमें पानी नहीं है, ये मावा का घी है। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें दूध डालना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मावा डालने से खोवा बन के तैयार है, लेकिन इसमें हम गाढ़ा किया हुआ 250 ग्राम दूध भी डाल देंगे और दूध से हम थोड़ी देर पका लेंगे इसे, 5 से 10 मिनट। जब तक मेरा दूध सूख नहीं जाए तब तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, इसे हम अच्छे से पका लेंगे धीरे धीरे। गाजर के हलवा को धीमी आंच पे हम इसे ढक के पका लेते हैं। जितना देर में गाजर में जो हम दूध डाले हैं वो दूध सूख जाए, उतना देर हम गाजर को पका लेंगे धीमी आंच पे, और हम बीच बीच में देख लेंगे कि इसमें दूध बचा हुआ है या सूख गया है। ऐसा नहीं कि हम ढक के छोड़ दें और मेरा हलवा जल जाए, ये नहीं, हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 5 मिनट धीमी आँच पर पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं गाजर में दूध है या नहीं। थोड़ा थोड़ा दूध बचा हुआ है। अब हम गैस का आँच तेज करके इसमें जो भी थोड़ा बहुत दूध है उसे हम अच्छे से सुखा लेंगे। गाजर का हलवा में हम कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, आप डालना चाहें तो डालें, आपको पसंद है तो। काजू हम काट के रखे हैं, काजू भी हम डाल देंगे और सभी को हम चलाते हुए मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छे से हम चला लेंगे। गाजर का हलवा में आप और भी अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता। अगर आप कद्दूकस करके गाजर को रखें तो आप मिनटों में इस प्रकार से गाजर का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना लेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा हलवा बन के तैयार है। अगर पहले से आप कुछ तैयारी करके रखें तो बहुत जल्दी से हलवा बना लेंगे। जब गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाए तो आप लास्ट में इस प्रकार से मिला दें अच्छे से, चारों तरफ से गाजर को इस तरह से घुमा घुमा के आप मिला लें। गाजर के हलवा को हम
भूनने के लिए बहुत थोड़ा सा हम घी डाले थे, लेकिन अभी हम घी डालेंगे, ऊपर से हम घी डालेंगे और घी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इस तरह से हलवा बनाएंगे तो आप 2-3 दिन तक आराम से रख सकते हैं। ये कितना दानेदार गाजर का हलवा बनके तैयार है, पूरा अलग अलग है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करके और हलवा को हम निकाल के रख लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवा बना हुआ है। इस प्रकार से आप भी हलवा बनाएं। इस तरह से गाजर का हलवा बना के हम गैस से उतार के रख लिए हैं। आप इस प्रकार से गाजर का हलवा जरूर बनाएं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।